हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको मैं बता दूं, झारखंड में जो स्टूडेंट्स जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू हो चुका था, जो कि 5/8/2021 को रिलीज़ किया गया था। और उनका लास्ट डेट जो था वो 28/8/2021, मतलब कल लास्ट डेट था। ओके, और ये सिर्फ 8वीं और जो 10वीं कक्षा में जो पास कर चुके हैं वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्म फिलअप का डेट्स तो कम्प्लीट हो चुका है। अब नया अपडेट ये है कि मैं आपको बता दूँ, आप लोगों का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता क्या है, मैं आपको बता दूँ। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है आप लोगों का निकाला जाएगा 23 तारीख को। ओके, 23 तारीख को आप लोगों का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो कि स्टेट लेवल का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, जिसमें से आपको पता चलेगा कि आपको कितना रैंक आया है। ओके, ये प्रोविजनल रहेगा, ना कि फाइनल। फाइनल वालों का जब निकलेगा वो 29 तारीख को निकलेगा। ओके, ये प्रोविजनल इसलिए कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर आपने कुछ भी मार्क्स वगैरह डालने में अगर कुछ गलती किया हो आपने, तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए आप लोगों को टाइम दिया हुआ है तीन दिन का, जो कि 23 तारीख से 26 तारीख तक का दिया हुआ है आपका, है ना। 23 तारीख को चालू होगा, 26 तारीख लास्ट डेट रहेगा करेक्शन करने का। ओके, मार्क्स के अलावा अगर आपको कुछ भी और करेक्शन करवाना, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका नाम का स्पेलिंग या तो कुछ भी जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया उसमें अगर स्पेलिंग्स वगैरह में अगर कुछ गलती हो गया आपसे, तो आप उसको करेक्शन करवा सकते हैं। या तो अगर आपका नाम है ही नहीं मेरिट लिस्ट में, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ jcecboard@gmail.com, ठीक है, इस पर आपको मेल करना है। मेल क्या करना है, अगर मान लीजिए अगर आपका नाम नहीं रहा, या तो अगर नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, या तो कुछ भी मिस्टेक हो, या तो अगर आपको मार्क्स के बेसिस में अगर कुछ करेक्शन करवाना हो, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। और आपको उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर देना ज़रूरी है। ओके, और साथ ही साथ उसमें आप अपना आपका जो रिज़ल्ट, अगर मान लीजिए अगर आपको मार्क्स से रिलेटेड अगर आपको करेक्शन करना है, तो आप मार्कशीट को प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। ओके, उसमें अटैचमेंट का ऑप्शन रहता है ईमेल में, ठीक है, करके आपको इसमें मेल कर देना है, ठीक है। तो ये 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपका टाइम दिया गया है आपका, और इसी के बीच में आपको जो भी करेक्शन करवाना हो आप करेक्शन करवा लीजिएगा, और सब कुछ सही सही करेक्शन करवा लीजिएगा। ओके, क्योंकि जो 29 को जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा ना, ये फाइनल रहेगा और इसमें कोई अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो सोच समझ के अगर कुछ भी करेक्शन करवाना है तो सोच समझ के करेक्शन करवा लीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करता है आपको ये क्लियर पता चल गया। 23 तारीख से, मतलब परसों से, आप लोगों का ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। ओके, तो कुछ भी गलती हो आप उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना बेटर रहेगा आईटीआई के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने एक वीडियो डाला है झारखंड का बेस्ट आईटीआई कॉलेज गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए। ओके, तो आप उस वीडियो को रीच कर सकते हैं और उसमें आपका आइडिया भी हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा। और मैंने ट्रेड से भी रिलेटेड मैंने वीडियो डाला है कि आईटीआई के लिए कौन सा ट्रेड बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसमेंट एंड जॉब। ओके, और अकॉर्डिंग टू देयर गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, कौन सा ट्रेड ज़्यादातर लिया जाता है। तो ये दो वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाला, आप जाकर रीच कर सकते हैं और देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा पूरी। ओके, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।